अभी तो हम लोग 2 दिन पहले आपस में मीटिंग किए थे इसके लिए, और पूरा इन लोगों ने उसके लिए सब जगह टीम भेजा है, जांच किया है, और अभी तो आ ही रहे थे कि समझ लीजिए कि सिवान में डेंगू का 0 है, सारण में 1 है, गोपालगंज में 9 है, और पूरा का पूरा इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी है, एक्शन टेकन, वो सब किया जा रहा है, और पटना में भी इसकी जांच चल रही है। तो इसमें काफ़ी विभाग जो है पूरे तौर पर, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे तौर पर लगा हुआ है, और इसके लिए हम लोग एक दिन डिटेल में इसकी चर्चा किए थे। जहाँ तक सवाल है कोरोना का, उसके लिए तो सब काम चल ही रहा, लेकिन जब ये बात आ गई कि कुछ दूसरे प्रकार की बीमारियाँ और बच्चों को हो रही है, तो इसको लेकर के हम लोगों ने मीटिंग किया और कहा कि सब जगह इसको जा करके भेजना है, और वहाँ की स्थिति देखनी है, और जो भी इसके लिए करना है उसको करना है। तो ये सब लोगों ने किया है, और ऐसी कोई परिस्थिति मैंने उतनी ख़राब नहीं, लेकिन फिर भी एक एक जगह का जांच करके उसके लिए जो कुछ भी करना है किया जाए, इसमें कोई शक नहीं, सब किया जाए हर प्रकार से। नहीं नहीं किसी चीज़ की कमी नहीं, हॉस्पिटल में न बेड की कमी है, न चिकित्सकों की कमी है, एक एक चीज़ पर है। और कोरोना के अलावे जो ये बात आ गई ना कि कुछ कुछ, तो इसी के बारे में हम बता रहे हैं, इसको भेजा गया, जो शुरू में नहीं चर्चा हुई कि भाई यूपी के नज़दीक वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए आपको अभी बताए सिवान, सारण और गोपालगंज का फिगर बताए, और उसके अलावे बाकी जगहों पर भी भेजा गया। इवन पटना में भी पूरी की पूरी जाँच हो रही है कि कहाँ पर इस तरह का कुछ है, ताकि इसके लिए जो भी उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी करना है वो सब किया जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम देखे थे समाचार, तो समाचार देखे तभी हम लोग बैठे थे और सारे लोग बैठ करके एक एक चीज़ को डिस्कस किए और सब जगह का खबर ले रहे। तो इसमें बिल्कुल ही हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरे तौर पर सजग है, और इसके साथ साथ सब जगह के प्रशासन को भी सजग किया गया कि भाई ये भी इसको नज़र रखे, हर जगह DM वगैरह भी इस बात पर नज़र रखे, ताकि कहीं पर कोई इस तरह की घटना हो तो ये ना हो कि कोई इग्नोर कर दे, ताकि हम लोग इसमें अलर्ट रहेंगे। इसके अलावे भी बाकी चीज़ों में तो आप जानते ही हैं कि अन्य प्रकार की बीमारियां तो पूर्व में भी होती रही हैं, जिसके लिए जितना संभव है सब काम किया जाता रहा, तो उसके लिए भी लोग अलर्ट पूरे तौर पर, उसमें कोई अभी ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्टनेस भाई कोई जानता है कल होकर के क्या कुछ हो जाए। जब ये माना हुआ है कि सब जगह दुनिया भर में चल रहा है कि ये इसका कोरोना का तीसरा लहर आ सकता है, तो हर जगह तो सचेत उसके लिए तो रहना ही है, लेकिन जो अन्य बीमारियां हैं उसके लिए भी सचेत रहना, ये सब कुछ हो रहा है। और देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है, और आप लोग जब देखिएगा माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण कुछ कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बतावें, उसको हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हर प्रकार से, सब तरफ से हम लोग एक एक चीज़ के लिए अलर्ट हैं और नज़र रखें। नहीं तो वो तो हम लोग जो कहना होता है हर बार, वो तो कोरोना के पहले भी कोरोना के दौरान भी, तो हर समय जब जानते ही हैं कि फ्लड का तो असर होता ही है, तो इन सब चीज़ों में एक एक जगह पर हम लोग काम तो शुरू से करते हैं, और सेंटर की टीम आती है उसको देखने के लिए, और वो भी सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, तो जो भी उनको बताया जाता है तो जो उचित समझते हैं मदद करते हैं। इस बार भी आए हैं तो पूरे तौर पर घूमे देखे हैं लोग, हमको डिपार्टमेंट के और सब लोगों ने बताया है कि जो सेंटर की टीम आई है
वो हर जगह जा कर के देखी है और उनको भी लगा है कि नहीं बहुत जगह बहुत ज़्यादा पानी का रहा है और नुकसान हुआ, तो लोग देख करके गए और सारी मीटिंग हुई है। जो भी करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हम लोग तो एक एक चीज़ का आकलन कर लिए हर जगह। वो तो टीम आती हो तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग तो अपनी तरफ से जाते ही रहते हैं। और उसी दिन जो आप लोगों ने कह दिया कि ड्राउट के अलावे मैंने ये इसका सूखा का भी को भी कहा गया है कि भाई सब लोग अपने पार्टी में अपनी जगह पर जो और भी कोई समस्या को लेकर के आए तो उसकी बात सुनिए और अपने डिपार्टमेंट में भी देखिए और दूसरे डिपार्टमेंट का भी रहे वहाँ भी तुरंत उस डिपार्टमेंट को सूचना दीजिए, ये भी कहा गया। इसे सब कर रहा है, कोई नहीं, ऐसा नहीं कोई एक पार्टी नहीं, आप इंडिया में सब लोग कर रहे हैं, बीजेपी हो जेडीयू हो, एक कोऑर्डिनेशन का ही हिस्सा, सब सब लोग कर रहे हैं, चारों पार्टी के लोग कर रहे हैं, सब लोगों को कहा गया सब लोग कर। नाम अरे क्या फालतू बात है, बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा, मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, उगरा के नाम बदलेगा क्या, बात करते हैं बख्तियारपुर, बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का बात करते रहता कि यहीं पर हुआ इसी से नालंदा गया। अब आपको मालूम है जब ऑल इंडिया कानून बन रहा था पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट के मेंबर ने क्या कहा कि कहा गया कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया कि बख्तियारपुरे में कैंप रखा था और इस बार इसी बख्तियारपुर में जन्म लिया हुआ एक आदमी है जो नए सिरे से फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहा है, तो ये सब फालतू चीज़ें सब। चलिए आपके नाम पर किया।